अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 1 यानी के इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सब बच्चे अपनी किताब में ये लेसन खोल लें। ये आपका लेसन नंबर 1 है जो आपके टीएमए का हिस्सा है, यानी कि आपके असाइनमेंट में आएगा। इसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास है तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम साइकोलॉजी को समझना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजी आखिर होती क्या चीज है। देखिए, साइकोलॉजी बेसिकली इंसान को समझने का जरिया है। साइकोलॉजी या नफ्सियात एक ऐसा लेसन है जो आपको खुद को पहचानने में मदद करता है। आप क्या चीज हैं? हम इंसान हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं समझते कि इंसान होती क्या चीज है, या इंसान के एहसास, जज्बात या उसके रवैये किस तरह काम करते हैं। ये हमें तब मालूम होता है, या तो जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तजर्बाकार हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत बातें हमें खुद ही पता चल जाती हैं। इंसान होने के नाते हम इंसानों के साथ रह रहे हैं, तो बहुत सारे उनके रवैये जो हैं वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी अंदाज़ा होने लगती हैं। लेकिन हर बात पर हम इतनी बारीकी से गौर नहीं करते। नफ्सियात हमें मदद करती है हर इंसान के पहलू पर बारीकी से गौर करने में, ठीक है। जब हम नफ्सियात को पढ़ लेते हैं तो हम इंसान की जो फितरत है उसको बारीकी से समझने की कोशिश कर पाते हैं और कामयाब हो पाते हैं, ठीक है। जब से इंसान दुनिया में पैदा हुआ, वो हमेशा से हर चीज के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। हम दुनिया में क्यों आए, कहाँ से आ गए, खाना कहाँ से मिल जाता है हमें, ये फल कैसे पैदा हो जाते हैं, बारिश कैसे हो जाती है, कहीं पर जमीन है तो क्यों है, कहीं पर पानी है तो क्यों है, ये पहाड़ इतने बड़े बड़े कहाँ से आ गए, इस तरह के सवालात हमारे दिमाग में भरे हुए हैं और हर इंसान के दिमाग में भरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते रहते हैं इनके जवाब ढूंढने की, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में डाल दिया कि हम सवालों की खोज में लगे रहते हैं, हम चीजों को जानने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ? तो यही इसके अंदर बताया गया है कि हमारा जो तजस्सुस है, हमारी जो क्यूरियोसिटी है, ये हमें मजबूर कर देती है चीजों को जानने के लिए। और यही वो क्यूरियोसिटी है जिसको जो आपको इस क्लास में बैठने के लिए मजबूर कर रही है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए बैठे हैं, और ऐसा कुछ जानने के लिए बैठे हैं जो आप इससे पहले नहीं जानते थे, है ना। क्योंकि एक चीज हमने जान ली और फिर कोई हमें उसी को बार बार बताता रहे तो फिर हम बोर हो जाते हैं, है ना। ये बात भी है हमारे साथ। चलिए, तो ये जो साइकोलॉजी है, ये इंसान के बेसिकली बिहेवियर को जानने में हमारी मदद करती है। हम देखिए, आप अपने फ्रेंड्स को समझते हैं, आप अपने पेरेंट्स को समझते हैं, कब वो गुस्से में आ जाएंगे ये भी आप समझते हैं, कब उनको आपकी बात बुरी नहीं लगेगी ये भी आप समझते हैं, और आप ये भी समझते हैं कि आपकी कोई फ्रेंड है, आप उससे किसी भी किस्म का मजाक कर लें वो उसको उतना बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन फला शख्स है वो उसके बारे में ऐसा बोल दे तो वो बुरा मान जाएंगे। ये क्यों है? आप इसकी वजह से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जिसमें हम रह रहे हैं पूरी तरह से। ऐसी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हर वक्त हमारे साथ पेश नहीं आ रही, लेकिन कभी पेश आ जाएंगी तो उनकी वजूहात हमें नहीं पता चलती। हम वजह पूछते हैं फिर, जैसे अपनी अम्मी से पूछते हैं, अम्मी इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको इतना गुस्सा क्यों आ गया, या वो हमसे क्यों लड़ने लगे, तो हम ऐसा अम्मी से पूछेंगे, अबू से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, है ना। जिससे हम पूछेंगे कहीं ना कहीं हमें बहुत से जवाब उसके मिलेंगे, लेकिन वो जवाब उतने ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे, हमें उतना उनको सुन के मुतमईन हम नहीं हो पाएंगे। जितना हम मुतमईन तब हो पाएंगे जब वो जवाब हमें किसी माहिरीन नफ्सियात से मिलेगा, यानी कि किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो जवाब होगा उसके पीछे वजूहात होंगी, उनके पीछे उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई होगी, ठीक है। वो उसके पीछे की वजूहात जानते होंगे क्योंकि उस पर उन्होंने पूरी तहकीक या रिसर्च की होगी। तो इस लेसन में आप यही सारी चीजें जानेंगे कि लोग मुख्तलिफ क्यों होते हैं एक दूसरे से, हमारा जो मिजाज है वो एक दूसरे से अलग क्यों होता है, कोई ज्यादा खुश मिजाज क्यों होता है, कोई ज्यादा गुस्से वाला क्यों होता है, है ना। लोग एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, सारे लोग, सारी दुनिया एक जैसी क्यों नहीं हो जाती आखिर, इसकी क्या वजह है? तो ये हम साइकोलॉजी में जानेंगे कि सब एक जैसे क्यों नहीं होते, सब देखने में एक जैसे क्यों नहीं होते, सब बोलने में एक जैसे क्यों नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती। अब हम बात करते हैं नफ्सियात की नौइयत और उसकी तारीफ के बारे में। देखिए, तारीफ की तरफ बढ़ने से पहले हम लव साइकोलॉजी पे बात करते हैं। ये लव साइकोलॉजी आया कहाँ से आखिर, क्या ना मतलब क्या है इस लव का? तो साइकोलॉजी जो लव है वो दो यूनानी लफ्जों से मिलकर बना है। चलिए, तो मैं बता रही थी कि साइकोलॉजी जो है वो दो लफ्जों से मिलकर भी बना है,
पहला लफ्ज है साइकी और दूसरा है लोगोस, यानी कि जब आप लिखते हैं साइकोलॉजी, तो यहां तक के लफ्ज को अलग कर दिया जाए और यहां तक के लफ्ज को अलग कर दिया जाए। ये जो साइको है वो लफ्ज साइकी से आया है, ठीक है, यूनानी लफ्ज जिसका, और लोगोस जो है वो लॉजी जो है वो लोगोस से आया है। इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है। साइकी या साइको का मतलब है नफ्स या रूह, और इसी तरह से लोगोस का मतलब है या लॉजी का मतलब है मुताला, यानी कि स्टडी। तो मतलब ये हुआ कि रूह की स्टडी, द स्टडी ऑफ स्पिरिट, ठीक है, रूह का मुताला या इंसान के नफ्स का मुताला। अब ये नाम क्यों पढ़ा, क्योंकि पुराने जमाने में अगर हम पीछे जाते हैं, खास तौर से अगर हम हिंदुस्तानी तनाजर में बात करें, तो बहुत पुराने जमाने से इस बारे में बात की जाती थी कि आखिर इंसान क्या है, क्योंकि जुस्तुजू हमारे अंदर तो नहीं है ना, जुस्तुजू हर इंसान के अंदर है, वो दादा आदम के टाइम से ही चली आ रही है जुस्तुजू, यानी कि हम जानने की जो कोशिश करते हैं ये पहले से है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है ये। तो वेदों उपनिषदों उस दौर से ही लोग जानना चाहते थे अपने बारे में, इंसान के बारे में, और उन्होंने जाना भी काफी कुछ, और उन्होंने ऐसे ऐसी नई नई तकनीकें निकाली जिससे इंसान के जहन को कंट्रोल किया जा सके, इंसान अपने जहन पर काबू पा ले, या इंसान किसी दूसरे इंसान को भी काबू पाना सिखा दे, ऐसी चीजें हम देखते हैं, जिसमें अभी हम लास्ट के लेसन देखेंगे जिसमें योगा वगैरह के बारे में बात की है, कि इंसान टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो उसका इलाज कैसे करें। कई दफा ऐसा होता है ना, हम नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, तो उसका इलाज हम कैसे करें, खुद को काबू में कैसे रखें। हमारा दिमाग है जो हमें परेशान कर देता है, कई दफा हम सोचे जा रहे हैं, उसका हल कैसे निकालें। तो ये सारी परेशानियां तो हमेशा से चली आ रही हैं, तो लोगों ने हमेशा जहन को काबू में पाने की कोशिश की और काफी बार कामयाब भी हुए। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ, और इसी तरह से मगरबी दुनिया में भी हुआ। मगरबी दुनिया में यानी कि वेस्टर्न में, अंग्रेजों में, वो लोग भी जानने की बहुत कोशिश किया करते थे, तो उन लोगों ने इस लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू किया जब उन्होंने सोचा कि जब हम इंसान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम इंसान के जिस्मानी ढांचे के बारे में नहीं जान रहे, बल्कि उस इंसान की अंदरूनी चीज के बारे में जान रहे हैं जो उसको ये सारे काम करने पर मजबूर करती है। तो लोगों ने समझा कि वो इंसान की रूह है जो वो इससे ही सारे काम करवाती है, इंसान का जो रवैया होता है वो इंसान की रूह की वजह से होता है, तो उन्होंने ये नाम रख दिया कि रूह का मुताला, साइकोलॉजी, ये वहां से आया। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बदला, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंसान के दिमाग का मुताला है, क्योंकि हम जो सोचते हैं दिमाग से वो करते हैं। तो इस तरह से इसके मायने बदलते रहे और इसमें तरक्की होती रही, तब्दीली होती रही। मगरबी दुनिया में खास तौर से मुस्तकिल डिसिप्लिन की हैसियत से नफ्सियात का आगाज 1879 में हुआ, यानी कि 1879 में, तब हुआ जब विलियम वंत ने जर्मनी की लेब्जिंग यूनिवर्सिटी में पहली तजुर्बाती लेबोरेटरी कायम की। यानी कि इससे क्या समझ में आता है कि लेब्जिंग यूनिवर्सिटी पहले से थी, विलियम वंत भी पहले से थे, लेकिन वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नया मुताला किया इंसानी जहन के ऊपर, इंसानी किरदार के ऊपर, और इसके लिए जब उन्होंने एक लैब तामीर की, तजुर्बाती लेबोरेटरी यानी कि एक्सपेरिमेंटल लैब कायम की, वो उन्होंने 1879 में शुरू की, और तभी से ये साइकोलॉजी जो है एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर जाना जाने लगा। ये वो पहले शख्स हैं दुनिया में जिन्हें साइकोलॉजिस्ट कहा जाने लगा था, ठीक है। तो आपका ये सवाल हो सकता है कभी कहीं पूछा जाए आपके एग्जाम में या कहीं और जनरल नॉलेज के तौर पे, आपको इसको याद रखना चाहिए कि विलियम वन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको साइकोलॉजिस्ट माना गया, ठीक है। अच्छा, हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया आपको सदियों से हुई हो चुकी थी। ये जो नफ्सियात का मुताला है ये बहुत पहले से था, लेकिन इसको बाकायदा तौर पर अलग फील्ड नहीं समझा जाता था, इसको बाकी सारे ज्ञान के साथ, इसको भी एक ज्ञान माना जाता था, ये अपने बाकी सारे मुतालों के साथ इसको भी एक मुताला समझा जाता था। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 में नफ्सियात का बाकायदा डिपार्टमेंट कायम हुआ, और तब से जदीद दौर में नफ्सियात को हिंदुस्तान में कहना चाहिए कि कयाम हासिल हुआ, ठीक है, वरना इसका बाकायदा अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। बाकी जैसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहे थे इसको उसी के साथ मिला के, साइंस के साथ, और खास तौर से
फलसफे के साथ मिला के इसको साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था। तो लव साइकोलॉजी का अलग से कोई कोई मजमून नहीं था, कोई जैसे आप एक अलग से पढ़ रहे हैं ना सब्जेक्ट, ऐसे अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि फिलोसफी के साथ इसको पढ़ा जाता था। लेकिन फिलोसफी से अलग होकर ये जो एक सब्जेक्ट बना है, इसका कयाम हिंदुस्तान में बाकायदा 1916 में हुआ, जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इसका एक डिपार्टमेंट खोला गया। ठीक है, अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया कि ये साइकोलॉजी फिर भी है क्या चीज, इसमें हम बात क्या करेंगे। तो देखिए, साइकोलॉजी की यहाँ पे आपकी शुरू में एक डेफिनेशन दी गई है, यानी कि एक तारीफ बयान की गई है कि अगर सादा अल्फाज में आप इसको जानना चाहें कि नफ्सियात क्या चीज है, तो नफ्सियात ज़हनी आमाल, तजर्बात और रवैयों का साइंटिफिक मुताला है। तो सबसे पहली बात ये कि एक साइंटिफिक मुताला है, इसको हम उर्दू हिंदी की तरह नहीं पढ़ सकते, इसको हम सोशल साइंस की तरह नहीं पढ़ सकते, बल्कि इसको हमें साइंटिफिक तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, ये एक पहली बात कि ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। दूसरा, इसके अंदर बात किस चीज की जाती है, ज़हनी आमाल की, तजर्बात की और रवैयों या किरदार बिहेवियर की। बेसिकली साइकोलॉजी इज द स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम इंसानी किरदार के बारे में जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंसी मुताला करते हैं, इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें तीन चीजें आ गई हैं, ज़हनी आमाल, तजर्बात और रवैये। किसके? ये सारी चीजें इंसानों की। ठीक है, इंसान के ज़हनी आमाल, इंसानी तजर्बात और इंसानी रवैये या किरदार। ठीक है, तो अब जैसे हमने इसके तीनों जुज का नाम समझ लिया, अब इनको हम अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। ये तीनों अज्जा जो हैं, ये तीनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन पहले हमें इन्हें अलग अलग समझना होगा कि ये होती क्या चीज है। ठीक है, तजर्बात का मुताला, यानी कि इसमें पहली चीज आ गई कि इंसानी तजर्बात का मुताला किया जाता है। इंसानी तजर्बात क्या चीज होते हैं? देखिए, इंसानी तजर्बात वो चीज होती है जो सारी जिंदगी से हमारे साथ चले आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा कोई भी किसी भी किस्म का मुताला आ जाएगा, चाहे हम वो जिंदगी में बोलना सीख रहे हों, किसी और के साथ रहना सीख रहे हों, या दिमाग में हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे के लिए बन रही हो, ये सारे तजर्बात जितने भी हमने दुनिया में हासिल किए, ये सारे तजर्बात जो होते हैं इनका मुताला किया जाता है। अब मान लीजिए कोई मसला हमें पेश आ गया, तो हम पहले आपसे मसला पूछेंगे, भाई क्या हुआ, तो आप अपना पूरा तजर्बा बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। अच्छा, कुछ चीजें तो हमें पता चल गई आपके रवैये के पीछे कि भाई इतना गुस्सा आया, गुस्से के पीछे वजह क्या है। आपने कुछ वजूहात बता दी कि भाई वो ऐसे आया और उसने मुझे ऐसे टक्कर मारी और मुझे इतना गुस्सा आ गया। अच्छा, तो सोचने वाला ये सोचेगा भाई एक जरा सी टक्कर पे इतना गुस्सा तो नहीं आ सकता, ये तो वो बात हुई जो आपने अपने मुंह से बता दी। तो कुछ तजर्बात होते हैं जो शौरी तजर्बात होते हैं, जिनको आप याद रख सकते हैं, आप अपने मुंह से कह के बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो तजर्बात होते हैं वो सिर्फ शौरी नहीं होते। ठीक है, सिर्फ शौरी तजर्बात नहीं होते, बल्कि हमारे कुछ ऐसे तजर्बात भी होते हैं जो लाशौरी होते हैं। यानी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो इंसानी तजर्बात को दो जगह बांटा गया, पहला हो गया शऊर और दूसरा हो गया लाशऊर। शऊर वो चीज है जो हम जागते हुए कर रहे हैं, जिसमें हम अलर्ट हैं, जिसमें हम तवज्जो दे रहे हैं, ये हो गया हमारा शऊर, जो हमें सीधे सीधे तौर पर याद है। मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपको शऊर है इस बारे में, आपका नाम क्या है। चलिए, तो देखिए इंसान का जो तजर्बा होता है, इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है बेसिकली, वो दो तरीके का होता है, एक तो शऊरी हो सकता है और दूसरा लाशऊरी हो सकता है। शऊरी तजर्बात कौन से होते हैं? शऊरी यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस कौन से होते हैं? वो जो हम जागते हुए करते हैं। ठीक है, हम जाग रहे हैं, हमने कुछ पढ़ा, हमें याद हो गया, ये हमारा शऊर है। और मैंने आपसे उसके बारे में पूछा तो आप बता भी देंगे, क्योंकि वो आपकी याददाश्त में है। तो ये सारी चीजें जो आपको याद है और आपसे जब पूछी जाए आप वापस उसका जवाब दे सकते हैं, याद करके बता सकते हैं, ये सब आपके शऊरी तजर्बात होते हैं। ठीक है, लेकिन लाशऊरी तजर्बात वो होते हैं जो आपको पता नहीं होते। आपसे मैं पूछूं आप कितना जोर लगा लें, आपको नहीं पता, आपको याद ही नहीं, तो वो याददाश्त जिसको आप निकाल नहीं सकते अपने जहन से, ऐसी चीजें होती हैं आपकी लाशऊरी चीजें। ये आती कहां से? ये हमारी दुनिया के आसपास का जो हमारा माहौल है उससे ही आती है।
और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका ये जो शऊर होता है, शऊरी तजर्बात होते हैं वो कम होते हैं और लाशऊरी तजर्बात जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो और वही आपके किरदार को बनाने में बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। तो शऊरी तजर्बात तो वो हो गए जो आपको याद है, आपसे पूछे गए, आपसे आपने बता दिए, लेकिन लाशऊर के बारे में हम खबर कैसे लगाएं, हमें कैसे पता चले? तो लाशऊर के बारे में जो पता चलता है वो दो तीन तरीके से पता चलता है। एक तो ये कि जब आप मुराकबा कर रहे हैं और आपने मुराकबा यानी कि आप इबादत में होते हैं तो बहुत सी चीजें आप गुम हो जाते हैं उस टाइम पर, आपको अपने आसपास का होश नहीं रहता, ऐसे टाइम पर आपको बहुत सारी नई चीजों का पता चलता है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके लाशऊर से आती हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जब मतलब ये लाशऊर से निकालना है, हम जो निकाल रहे हैं कैसे निकालें हम लाशऊर से चीजें, तो एक तो हम मुराकबे के जरिए से निकाल सकते हैं, इबादत के जरिए से बहुत सारी अंदरूनी बातें हमें अपने बारे में पता चलती हैं, ठीक है, जो हम सोच कर नहीं बता सकते, वो सिर्फ हमें उस हालत में ही पता चलेंगी जब हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से या अपने खुदा से बहुत गहरा हो जाएगा और हमें दुनिया का कोई होश नहीं रहेगा, ऐसे में हमें बहुत सारी चीजों का अपने बारे में पता चलता है। दूसरी चीज होती है, ये तो हो गया ध्यान या मुराकबा, दूसरी होती है साइकेडेलिक ड्रग्स, यानी कि आपको कोई ऐसी दवा पिला दी जाए या खिला दी जाए, जैसे नारकोटिक्स वाले करते हैं ना, वो कोई मुजरिम है जो उसको याद ही नहीं कि उसने क्या कर लिया क्या कर दिया, तो उसको कोई दवा पिला दी जाती है, नशा सा पहुंच जाता है और फिर उसको, या फिर आपने देखा होगा कैसे पेंडुलम घुमाया 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 इंसान जो है वो हिप्नोटाइज हो गया, हिप्नोटाइज होने के बाद भी वो ऐसी बहुत सी चीजें बता देता है जो उसके शऊर की नहीं हिस्से, शऊर के हिस्से में नहीं होती बल्कि वो उसके लाशऊर में होती है, तो ऐसे पता लगाया जा सकता है, या साइकेडेलिक ड्रग्स ऐसी दवाइयों के जरिए से पता लगाया जा सकता है। या तीसरा एक और तरीका है कि ख्वाबों के जरिए से, आपने अपने ख्वाब हमें बताए या साइकोलॉजिस्ट को आपने अपने ख्वाब बताए और फिर वो उसका तजज़िया करेगा और पहचान लेगा कि इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, ठीक है। तो एक एक तो ये हो गया आपका तजर्बात का मुताला, ठीक है, ये पहला जुज हो गया ये सारी। अच्छा, ये इसमें बताने का मकसद ये था कि ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपका जो तजर्बात होते हैं ये बहुत ही निजी होते हैं, आपके जाती होते हैं, जब तक आपसे ना पूछा जाए या आपसे ना निकलवाया जाए कोई दूसरा आपके तजर्बात के बारे में नहीं बता सकता, हर इंसान अपने तजर्बात का खुद ही मालिक होता है, उससे कोई नहीं बता सकता, या तो उससे पूछ के निकलवाई जाए वो सारी बातें, ठीक है, या फिर उससे दूसरे तरीके से लाशऊर से वो चीजें निकलवाई जाए, लेकिन वही शख्स उसका सोर्स हो सकता है और किसी से वो सब तजर्बात नहीं पता लगाए जा सकते। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर, दूसरा जो ज़हनी आमाल का मुताला, यानी कि नफ्सियात के अंदर और किस चीज का मुताला किया जाता है, इंसान के ज़हनी आमाल का। ज़हनी आमाल कौन से होते हैं, यानी कि वो सारे अमल, वो सारे काम जो आपके ज़हन में चल रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो कौन कौन से काम होते हैं। इसमें होता है आपका इदराक, चीजों को देखना, उनको मायने पहनाना, ठीक है, ये आप अपने दिमाग से कर रहे हैं। दूसरा है आमोजिश, यानी कि लर्निंग, कोई चीज सीखना, याद करना, इसमें भी आपका दिमाग शामिल है, ठीक है। याददाश्त, आप कितनी चीजें याद रख पा रहे हैं, आपकी याददाश्त या मेमोरी पावर कितनी है, ये भी आपकी, ये भी आपका ज़हनी अमल है। और चौथा है गौर व फिक्र, देखिए दुनिया से आप मालूमात हासिल करते हैं, उसको मायने पहुंचाते हैं, पहनाते हैं, उसे याद कर लेते हैं, याद करने के बाद वो आपके ज़हन का हिस्सा बन जाती हैं, फिर जब आप कुछ, आपको सोचना है कोई नया काम करना है तो उसे याददाश्त की बिना पर चीजों को सोचते हैं और उनका हल निकालते हैं, ये होती है आपकी फिक्र या थिंकिंग। ये सारे काम जो हैं जहन के अंदर चल रहे हैं, इसीलिए इनको जहनी आमाल कहा गया, और जहन के भी अंदरूनी काम है, कोई इंसान देख के नहीं बता सकता कि आपके जहन में क्या क्या चीजें महफूज हैं, आपको क्या क्या याद है या आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, जब तक आप जाहिर ना कर दें, है ना। तो दूसरा मुताला ये हो गया जहनी आमाल का मुताला। तीसरा मुताला जो किया जाता है नफ्सियात में, वो है आपके किरदार का या बिहेवियर का, यानी कि स्टडी ऑफ योर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इंसान के बिहेवियर जो बनता है, इंसान का जो किरदार होता है, उसमें कई चीजें आ जाती हैं। नंबर एक है इसके अंदर इस तरह ये, दूसरा हो गया मुश्तरक जवाबी आमाल, तीसरा यहां पर हो गया पेचीदा किरदार, ठीक है। तो पहला है इस तरह ये, जैसे पलक झपकना वगैरह, आप देखेंगे किसी हालात में ऐसा होता है कि कभी कभी आप कोई चीज सुन रहे हैं गौर से, आप पलक झपकना भूल जाते हैं,
है ना। कभी कभी आपने देखा होगा ज्यादा इंसान घबरा रहा है तो पलक ज्यादा झपक रहा है, तो मतलब ये भी आपका कुछ रवैया है, ये भी कुछ बता रहा है, आपका पलक झपकना भी आपकी सोच के बारे में, आपके रवैये के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है मुश्तरक जवाबी औजा, यानी कॉमन रिस्पॉन्स पैटर्न्स, वो बातें जो आप दोस्तों से करते हैं। इसमें जज्बात, दाखली हालात, जबानी बयान, यानी कि जबान से आप कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपके किरदार में आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं मुश्तरक जवाबी औजा। तीसरा है इसके अंदर पेचीदा किरदार, यानी कि कुछ ऐसे किरदार भी हमारे होते हैं जो बहुत पेचीदा होते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना, पियानो बजाना, किसी मजमे में तकरीर करना, या इसके अलावा कुछ चीजें और आ जाती हैं इसके अंदर, जैसे आपका आर्ट वर्क वगैरह हो गया, है ना, आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आप कोई नज़म लिख रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत पेचीदा हैं, ये भी आपके किरदार में शामिल है, ठीक है। तो इनका, इन सब सब चीजों का जब बाकायदा बारीकी के साथ मुताला किया जाता है तो भी इंसान के किरदार के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आप बातचीत किस तरह की कर रहे हैं, आप किस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। मैंने आपके सामने कोई लफ्ज कहा, किसी का चेहरा, मान लीजिए कोई मैंने ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद ना हो, तो आपके चेहरे के जो तासरात है वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो ये भी आपका जो मतलब आपके किरदार का हिस्सा है ये भी, ठीक है, ये भी आपका रवैया है कहीं ना कहीं, जो आप कहीं कहीं जाहिर करते हैं। तो इन सबके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात होती है। तो आप जो चीजें बता रहे हैं, जो किरदार आप कर रहे हैं, वो दोनों दो तरीके का हो सकता है, वो लफ्जी भी हो सकता है और गैर लफ्जी भी हो सकता है, यानी कि वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल। वर्बल वो जो आप बोल के कर रहे हैं, और नॉन वर्बल जो आप अपने चेहरे के तासुरात से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, घूर के, मुस्कुरा के, इस तरह से किसी भी तरह के तासुरात आप पेश कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है ओवरऑल देखा जाए तो, आपके तजर्बात, किरदार और जहनी आमाल, तीनों को मिला के जब पढ़ा जाता है तो बन जाता है आपकी नफ्सियात का मुताला, ठीक है, साइकोलॉजी। ये सारी चीजें मिला के आपकी साइकोलॉजी बनती है। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी क्या चीज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नफ्सियात का दायराकार, नफ्सियात में हम किस किस बारे में बात कर सकते हैं, तो नफ्सियात में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हम इसके अंदर बेसिकली, जैसे हमने देखा कि नफ्सियात उन मुख्तलिफ उन नौ मसाइल से बहस करती है जिनका ताल्लुक किसी फर्द के जहनी और किरदारी तफाइल अमल से हो, यानी कि इंसान के मेंटल एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग, यानी कि जहनी और जिस्मानी काम जो हम कर रहे हैं, जो भी हम जाहिर कर रहे हैं, जो भी बिहेव हम कर रहे हैं, उन सब से जो भी ताल्लुक चीजें रखती हैं, वो सारी चीजें इंसान की नफ्सियात में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या बात करते हैं, इसके अंदर हम इंसान के हयातियाती निज़ामों के बारे में बात करते हैं, यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है आपका, आपका हड्डियों का ढांचा किस तरह से काम कर रहा है, आपके हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं, आपकी एक इंफॉर्मेशन दूसरे जिस्म के एक हिस्से तक, दूसरे हिस्से तक कैसे पहुंच रही है, ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं, ये सारे फंक्शन, सारे वज़ाइफ जो है, ये सारे साइकोलॉजी के जेरे बहस आते हैं। साइकोलॉजी में हम इन सब चीजों में बात करते हैं, यानी कि हमारा जो जिस्म के अंदर चलने वाले सारे फंक्शन है वो इंसान के किरदार को किस तरह से मुतासिर करते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि इंसान जो भी है सारी जिंदगी में, उसका सोशो कल्चरल माहौल कैसा है, यानी कि इंसान का जो समाज है वो कैसा है, और उसका क्या असर इंसान की जिंदगी पर पड़ रहा है, और न सिर्फ जिंदगी पर बल्कि उसकी सारी जिंदगी में जो उसकी नशोनुमा हो रही है, चाहे वो उसकी जिस्मानी नशोनुमा हो, चाहे वो उसकी जहनी नशोनुमा हो, या उसकी किरदारी या समाजी नशोनुमा हो, हर किस्म की नशोनुमा पर उसके माहौल का या उसके समाज और उसके कल्चर का क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं इसके अंदर कि इंसान का जो दिमाग है वो किस तरह से काम करता है, यानी कि हम पूरी दुनिया में से इंफॉर्मेशन, दुनिया में से मालूमात जो है वो कैसे ले रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, और उस प्रोसेस के बाद वो कैसे हमारे दिमाग में महफूज हो रही है, हम चीजों को कैसे सीख रहे हैं और कैसे हम उसको याद रख पा रहे हैं, या कुछ चीजें हैं जो हम कम देर तक के लिए याद रख पाते हैं, सिर्फ थोड़ी देर याद रख पाते हैं, कुछ चीजें हैं वो जो हम बहुत लंबे टाइम तक के लिए याद रख पाते हैं, कुछ बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं,
तो ये सारे काम हमारे दिमाग में कैसे हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी जो बहस है ये भी हम करते हैं, यानी कि जहन में हमारे क्या क्या काम चल रहे हैं ये सारी चीजें भी हम इसमें बहस करते हैं। इसके अलावा हम किसी चीज पर तवज्जो कब देते हैं, क्यों देते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और साइकोलॉजी में ये सारी चीजें भी होती हैं। हम सोचते कैसे हैं, थिंकिंग प्रोसेस हमारा कैसे चलता है, जखीरा शुदा मालूमात हमारी कहाँ जाकर जमा होती है, और जब हम उसे वापस निकाल के याद करना करना चाहते हैं तो वो हमें कैसे याद आ जाती है, ये सारी चीजें भी साइकोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा हम चीजों को सीखते कैसे हैं, लर्निंग का अमल कैसे पेश आता है, उसके अंदर क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं, या हम चीजों को कैसे जल्दी याद कर पाते हैं, जल्दी याद करने के पीछे क्या चीज काम कर रही है, कौन सी चीजें हैं हम ज्यादा देर तक जल्दी याद कर पाते हैं, कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम याद करने में हमें मुश्किल आ रही है, और अगर वो मुश्किल आ रही है तो हम उसको आसानी से कैसे याद करें, ये सारी चीजें भी हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा है। इसके बाद इसके अंदर हम साइकोलॉजी में तहरीक के बारे में भी पढ़ते हैं। तहरीक या मोटिवेशन, किसी काम को करने के लिए हमारा बड़ा जज्बा बहुत मुहर्रिक हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो क्यों हम कुछ चीजों को करने के लिए इतने एक्टिव कैसे हो जाते हैं, या हम किसी चीज में बहुत डल हैं तो हम एक्टिव कैसे हों, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जज्बात के बारे में इसमें बात की जाती है। साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ ह्यूमन इमोशंस के ऊपर भी बात की जाती है। ये गुस्सा, डर, खौफ, मोहब्बत, इस तरह के जज्बात इंसान में कहाँ से आते हैं, कैसे पनपते हैं, किस तरह काम करते हैं, और किस तरह के जज्बात हमारे अंदर होने चाहिए, कौन से पॉजिटिव जज्बात हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करने हैं, और हम अगर हम वो पॉजिटिव जज्बात अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो वो हम कैसे पैदा करें, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं साइकोलॉजी के अंदर। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात की जाती है, वो है कहाँ गया, इनफरादी इख्तलाफात, ये देखिए यहां पर है, यानी कि लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होते हैं। तो इसके अंदर हम साइकोलॉजी के अंदर और किस बारे में बात करते हैं, इनफरादी इख्तलाफात के बारे में बात करते हैं। ये इनफरादी इख्तलाफात क्या होते हैं, इनफरादी इख्तलाफात बेसिकली ये होता है कि हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, मुख्तलिफ क्यों हैं, और किस किस वजह से मुख्तलिफ हैं, और कहाँ कहाँ पर मुख्तलिफ हैं, क्या क्या चीज़ है हमारी जो अलग है एक दूसरे से, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। यानी कि इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, हर इंसान की जहानत मुख्तलिफ है एक दूसरे से, और साइकोलॉजी के एतबार से दुनिया में हर इंसान जो है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुनिया में दो इंसान बिल्कुल हूबहू एक जैसे हों, हो सकता है वो सिर्फ देखने में एक जैसे हों, ठीक है, लेकिन वो 100% एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा भाई बहन जो एक दूसरे से बिल्कुल देखने में हमशक्ल होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो वो जहानत के एतबार से अलग हो सकते हैं, शख्सियत के एतबार से, मिजाज, दिलचस्पी, अलग अलग चीज़ों के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो एक दूसरे से हम जुदा क्यों होते हैं, किस किस तरह से होते हैं, इस बारे में बात की जाती है। मतलब अगर आप बात करें, और उसके अलावा पेशा वाराना मसाइल, यानी कि जब हम किसी पेशे में दाखिल होते हैं तो वो क्या क्या तब्दीलियां होती हैं, वहां पर जाकर हमारा कैसे डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें भी हम नफ्सियात में देखते हैं। तो नफ्सियात का दायराकार बहुत वसी है। दायराकार मतलब नफ्सियात के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, हमने इतनी सारी चीजें देखी, और इसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं जो नफ्सियात के अंदर आ जाती हैं। यहाँ तक कि कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी मसले से दो चार हैं और हम सोचने के काबिल नहीं हो पा रहे, हम बहुत टेंशन में हैं, तो ऐसे में हम किसी की मदद लेते हैं, तो वो कैसे मदद कर सकता है हमारी, यानी कि ये काउंसलिंग जो है वो कैसे होती है, ये वाली बात भी हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, आपने कहा कि मैम किरदार क्या चीज होती है, बेटा किरदार कहते हैं इंसान के बिहेवियर को, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। उसमें हमने तीन चीजें देखी, इस तरह ये यानी कि रिफ्लेक्सेस, फिर हमने कॉमन रिस्पॉन्स पैटर्न यानी कि मुश्तरक जवाबी औजा ये देखे हमने, और इसके अलावा हमने पेचीदा किरदार देखे यानी कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स, यानी कि इसमें जैसे हम पलक झपक रहे हैं तो पलक झपकना भी हमारा अलग अलग हो सकता है। किसी बात पर हम ज्यादा पलक झपकते हैं और कहीं कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि हम पलक झपकना ही भूल जाते हैं। मान लीजिए हमें कोई शॉकिंग न्यूज मिल गई, हम बहुत देर तक पलक ही नहीं झपकेंगे, होता है ऐसा,
तो मतलब ये हमारे किरदार के बारे में कुछ चीजें हमें बता रहा है, ठीक है। तो पलक झपकना हमारे ह्यूमन बिहेवियर में हर किसी के साथ मुख्तलिफ हो सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, दोस्तों से, तो ये जो बातचीत का हमारा अंदाज है, क्या टोन है हमारी बात में, करने में क्या अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी एक दूसरे से अलग होती हैं, ये भी हमारा किरदार बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा पेचीदा किरदार, कुछ हमारे पेचीदा किरदार भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना, तकरीर करना तकरीर करते हुए बहुत सी ऐसी बातें हम कह जाते हैं जो हम सोच के नहीं कह रहे होते, तो मतलब ये भी हमारे किरदार को बता रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला के हमारा किरदार बनती हैं, जो कि दो तरह से हो सकता है। जो हम चीजें बताते हैं, हम देख मतलब कोई चीज हम बोल के भी बता सकते हैं और कोई चीज हम बगैर बोले तासुरात के जरिए से भी बता सकते हैं। तो ये जो हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये जो कभी बदलते हैं, ये सारी चीजें भी हमारी हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं। बल्कि इससे भी एक कदम आगे, आपका खड़े होने और बैठने का अंदाज, ये भी आपके किरदार में शामिल है। जब आप गुस्से में बैठेंगे तो आप अलग अंदाज में बैठेंगे। तो जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं वो इंसान को इन सारे पहलुओं पर जांचते हैं, इंसान के किरदार को, ठीक है। चलिए, इसके अंदर नफ्सियात के अंदर बुनियादी नफ्सियाती अमाल कुछ होते हैं, जैसे तहसीस होती है सेंसेशन, हम अपनी सेंसेस के जरिए से मालूमात हासिल करते हैं, वो सेंसेस हमारे मुख्तलिफ होते हैं, जैसे देखना, सुनना, छूना, चखना और सुनना, नहीं इसमें देखना हो गया, सुनना हो गया और सूंघना, मतलब आप जो स्मेल कर रहे हैं नाक से, जो आप स्मेल ले रहे हैं, खुशबू बदबू हमें आती है, ये सारे हमारे सेंसेस हैं। इनके जरिए से हम दुनिया से मालूमात हासिल करते हैं और मालूमात हासिल करने के बाद हम किसी मालूमात पे तवज्जो ज्यादा देते हैं, किसी पर नहीं देते हैं। इसके अलावा फिर जब हम किसी चीज पर तवज्जो देते हैं तो उसको हम मायने पहनाते हैं, यानी उसको हम पहचान लेते हैं। ये जो पहचानने का अमल है, ठीक है, उस चीज को मायने देने का अमल है, ये भी हमारा नफ्सियात में आता है। उसके अलावा हमारी आमोजिश, ये सारे हमारी क्या चीजें हैं, ये हमारे बुनियादी नफ्सियाती अमाल हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, सेंसेशन यानी कि मालूमात हासिल करने का जरिया, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो मालूमात करने के लिए सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तहसीस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तवज्जो, इदराक, आमोजिश यानी सीखना, नई चीजों को सीखना, ठीक है, ये चीजें भी हमारी, ये भी क्या हो गया, हम चीजों को सीखते हैं और उससे हमारा रवैया बदलता है, ठीक है। बहुत सी चीजें हमें नहीं पता, बचपन में छोटा बच्चा क्या करता है, या तो खुश होता है या रोता है, बस दो ही एक्सप्रेशन आते हैं उसको, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होकर वो चीजें सीखता रहता है, उसके जज्बात बदलते रहते हैं, उसका रवैया बदलता रहता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मेमोरी या हाफजा, हम चीजों को याद रख पाते हैं अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए, तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है आपका आखिरी है फिक्र, जो भी चीजें हमारे दिमाग में है, हमारे जहन का हिस्सा है, हमारी याददाश्त का हिस्सा है, वो हमारी मदद करती है सोचने में, ठीक है। तो ये सारे आपके नफ्सियात के बुनियादी आमाल हैं, ठीक है। आखिर में आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है नफ्सियात के शोबे, यानी कि नफ्सियात के शोबे कौन कौन से हैं, नफ्सियात किन किन शोबों में काम करता है। तो इसके अंदर कई सारे शोबे हैं, कुछ आपके यहाँ किताब में बयान कर दिए गए, कुछ आपकी किताब में नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपका जो पूरा सिलेबस है, आपके जो 27 लेसन है, वो इन सब शोबों को कवर करते हैं। आपके सारे लेसन में इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं जिक्र आ ही जाएगा। जैसे इसमें पहला है आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल किसे कहते हैं, एबनॉर्मल कहते हैं जो नॉर्मल ना हो, ऐसा इंसानी रवैया जो नॉर्मल से हटके हो उसको एबनॉर्मल कहते हैं। तो इंसान के नॉर्मल से हटके जितने भी रवैये हैं उनका, उनके बारे में मुताला करना और उनके उनका इलाज मुहैया करना या उनके इलाज के तरीके ढूंढना, ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बात की जाती है। इसके बाद आता है वकूफी नफ्सियात, यानी कि जितने भी काम हमारे जहन से मुताल्लिक हैं, जिसमें अभी हमने पढ़ा सोचना, समझना, याद रखना, ये सारे अमाल जो हैं वो हमारे वकूफी नफ्सियात में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है क्लिनिकी या मशवरती नफ्सियात, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये भी नफ्सियात का एक शोबा है।
इसके अंदर क्या होता है कि इंसान अगर जहनी तौर पर डिस्टर्ब है तो दूसरा इंसान उसकी मदद कैसे करे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम जा रहे हैं तो वो हमारी मदद जहनी तौर पर कैसे करेगा, उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे वो काम करती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद आता है आपका तालीमी नफ्सियात, तालीम से मुतालिक जितने भी मसाइल हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं कि हम लर्निंग के अमल को यानी कि सीखने के अमल को कैसे आसान बनाएं, और अगर किसी को सीखने में दुश्वारी आ रही है, मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो उनको कैसे हल किया जाता है, ये सारी चीज जितनी चीजें हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के शोबे में आती हैं। इसके बाद है माहौलियाती नफ्सियात, यानी कि इंसान और माहौल का क्या रिश्ता है, और इंसान के किरदार पर, उसकी जिंदगी पर, उसके जहन पर, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो ह्यूमन बिहेवियर पर इंसान के माहौल का क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी इसमें आ जाती हैं। इसके बाद है सेहती नफ्सियात, यानी कि इंसान की जो एक तो दोनों दो तरह की सेहत होती है, एक जिस्मानी सेहत होती है, एक जहनी सेहत होती है, ये दो इन दोनों का जो रिश्ता है वो कैसे कायम किया जाए और इनको ज्यादा फरोग कैसे दिया जाए, ये नफ्सियात में सेहती नफ्सियात में आता है। ठीक है, इसके बाद आपका है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यानी कि आप किसी जगह पर काम करने जा रहे हैं और वहां पर जो भी आपका माहौल है, एक किसी तंजीम का माहौल, उसका आपकी जिंदगी पर और आपकी जिंदगी का उस तंजीम पर क्या असर पड़ता है, और आप कैसे इन दोनों के दरमियान एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं, ये सारी बात की जाएगी इसमें। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि इंसान की जो पूरी जिंदगी है, ये आप देखेंगे कि हमारी नशोनुमा पैदा होने से पहले से लेके और मरने तक हमारी नशोनुमा होती रहती है, जिस्मानी भी और जहनी भी, उसको पूरी जिंदगी को कई सारे मराहिल में बांटा गया और किस मरहले में क्या तब्दीली आ रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और फिर आपकी कुछ ऐसी शाखें भी हैं नफ्सियात की जो अभी बाकायदा डिपार्टमेंट्स नहीं बने हैं, कोई अलग से शोबे नहीं बने, लेकिन आइंदा सालों में हो सकता है कि ये शोबे भी बन जाए, जिसमें स्पोर्ट्स की नफ्सियात, मिलिट्री नफ्सियात, हवाबाजी नफ्सियात, फॉरेंसिक नफ्सियात, असबी नफ्सियात और सियासी नफ्सियात जैसी कई सारी फील्ड अभी भी ऐसी हैं जो नफ्सियात में अभी तरक्की कर रही हैं और हो सकता है आइंदा जमाने में ये भी शोबे बन जाए। तो ओवरऑल आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है आपको साइकोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन ठीक से मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि नफ्सियात क्या सब्जेक्ट है और इसके अंदर क्या चीजें पढ़ाई जाने वाली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग लेसन पढ़ के आइएगा, लेसन नंबर 2, इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, चलिए, अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर।